तो चलिए मेरे भाई, जी भाई हो गया कुंडा। Hey guys, welcome back to another review. आज आप लोगों की डिमांड पे हम लेकर आए हैं Glenmorangie Nectar Dior. भाई अजी भाई, कैसी लगी ये बोतल? ये बॉटल तो बाहर से बहुत सुंदर लग रही है भाई, है ना? बिल्कुल, बहुत ही एलिगेंट गोल्डन फिनिश है. I was going to say, yeah. बहुत ही जबरदस्त फिनिश है. और ये जो Nectar Dior है, जो Dior है उसका स्कॉटिश गेलिक मतलब ही द गोल्ड है. सो नेक्टर ऑफ गोल्ड, गोल्डन कलर. और पैकेजिंग जैसा भाई ने कहा है, बहुत ही सुंदर है. क्या पैकेज, क्या बॉटल है, बहुत ही लाजवाब पैकिंग है. और इस रिव्यू में हम बात करेंगे इसके कलर की, इसकी पैकिंग की, इसके मैन्युफैक्चरिंग की, इसका ओनर कौन है और कुछ न्यूआंस फैक्ट्स. बिल्कुल, तो चलिए भाई शुरू किया जाए. तो भाई, हाँ जी भाई, हैव यू हैड दिस Glenmorangie की ये जो Dior है ये मैंने नहीं ट्राई की कभी. okay. और लेकिन ऐसे जो एक बेसिक लेवल की Glenmorangie आती है, हाँ, वो मैंने एक दो बार ट्राई कर रखी है. ओके okay. हाँ, तो मैं भी ये प्रोबेबली सेकंड या थर्ड टाइम ही पी रहा हूँ. बहुत ही फिनोमिनल है. आई बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट टाइम काफी टाइम हो गया ट्राई किए हुए, तो मुझे याद नहीं इसका फ्लेवर वगैरह. अच्छा. और किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट की कि यार ये विस्की उनको बहुत पसंद है. अच्छा. तो वो चाहते थे कि हमारी नजराने, हमारी मुंह जुबानी, हम आप सबके साथ भी ये शेयर करें. तो हमको तो भैया मौका चाहिए, मौका चाहिए. उन्होंने हमको बस, तो उन्होंने मौका दिया और हमने मार दिया चौका. तो लाइए भाई ग्लास. हाँ जी भाई, थैंक यू. तो इसको तो खुला ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए. तो जैसा कि हमने इंट्रो में भी बात की, ये जो Glenmorangie ब्रांड है बहुत ही वर्ल्ड फेमस, बहुत ही पुरानी डिस्टिलरी है. 1800s में, 1843 मेरे ख्याल उसके करीब की है. बट रिसेंटली दे गॉट बॉट आउट बाय लुई विटॉन. लुई विटॉन, हाँ. ओके, सो लुई विटॉन मोएट हेनेसी, जो मोएट अपनी हाई एंड चैंपियन बनाते हैं, हेनेसी जो कॉन्याक बनाते हैं. So basically, उस ब्रांड के बाद इनका थोड़ा फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है स्कॉच में थोड़ा बढ़ गया, वो बॉटल में देखने को. हाँ, मिल रहा है. मैं वही कह रहा था, बहुत ही सेक्सी बॉटल है, बहुत ही कर्वी है, बहुत ही सेंशुअस बॉटल है, बहुत ही प्यारी है. और जिस तरह जैसे आपने कहा कि Nectar of Gold, हाँ, ये वो जो नाम है ये उसे ये बॉटल जस्टिफाई करती है. बिल्कुल. और इसका अगर आप ऊपर भी देखें ना, जो लोगो है, जो इसका एम्बॉस्ड है, मतलब ऐसी कोई डिटेल नहीं है जो इन्होंने मिस आउट कर दी हो. बिल्कुल, हर चीज आंखों पे देखने में इतनी सुंदर है. कलर विस्की का देखो कितना ही प्यारा गोल्डन एम्बर कलर है. गोल्डन कलर है ना. हाँ, बिल्कुल. और ये जो Nectar है इस पे एज स्टेटमेंट कोई नहीं है, पर माना यही जाता है भाई कि ये 12 साल पुरानी है. अच्छा जी. और इनकी जैसे कोर रेंज में आज की डेट में एक 10 साल की आती है जो ऑरेंज कलर की है, एक 12 आती है जो लसांटा के नाम से भी जानी जाती है मरून कलर की, एक 14 है क्विंटर रोबैन करके. तो उसके बाद ये भी है. और फिर उनकी जो बाकी हाई एंड लग्जरी विस्कीज में आ गई, सिग्नेट हो गई, एक्सट्रीमली रेयर 18, 19, तो इनकी काफी वैरायटी है. बट आई वुड से दिस इज प्रोबेबली अबव एवरेज. अच्छा, जैसे अपर मिडिल क्लास वाला होता है ना. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो ये ना ऊपर है नीचे, बीच की है ये. और हमारे यहाँ पर ये 110 से $115 की मिल जाएगी, और इंडिया में ये एनीवेयर फ्रॉम 8 to 12,000 डिपेंडिंग. क्योंकि जैसा कि हमने काफी वीडियोस में डिस्कस किया है कि इंडिया में स्टेट्स में एक्साइज डिफरेंट होता है, उसकी वजह से प्राइस डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है ना. जी बिल्कुल. और जैसा कि सनी भाई तो नहीं है, पर उनके शब्दों में जैसे वो बोलते हैं ना कि यहाँ पर पैसा ऊपर नीचे हो कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर मजाक नहीं होना, यहाँ पे मजाक नहीं होना, है ना. बिल्कुल. चलिए मेरे भाई क्लोजिंग की जाए. ओ वाओ, ओ वाओ मैं बहुत बोलता हूँ भाई, पर नोज में, नोज में ओ वाओ इसने निकलवा दिया. निकलवा दिया भाई, है ना. बहुत ही ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और एक तरह से बहुत सारे इसमें टोन्स आ रहे हैं. हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स है और ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं है, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसा कि हम आपने नोटिस किया होगा कि एक जो प्रोमिनेंट फ्लेवर्स होते हैं स्कॉच के, वो तो डेफिनेटली है इसमें. जैसे वेनिला हो गया, हनी हो गया, ओकिनेस हो गया, वो फ्लेवर्स तो सारे इसमें नोज में डेफिनेटली आ रहे हैं. उसके अलावा एक थोड़ी शार्पनेस भी है. शार्पनेस है ना. बिल्कुल है. ये किस चीज की है?
भाई आप शेफ हैं, आप बताइए। ये जहां तक मुझे लगता है ये जिंजर का कुछ मामला है इसमें। हाँ आई एग्री। तो इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है ना, यू आर वेरी राइट, इसमें ये मैकलन 12 के जो मुकाबले की है ना, हाँ जी, ये वो चीज है। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मेरे भी आ रहा है, ये स्मेल करके ये मैं सैलिवेट हो रहा हूं। हाँ, सेम सेम। तो ये इतना ही बढ़िया साइंस है ना, जो व्हिस्की मेकिंग इज आर्ट एंड साइंस। इन्होंने फ्लेवर प्रोफाइल्स वो रखे हैं कि मुंह में पानी आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब मैंने हमने इसका नोजिंग की, बैक ऑफ द टंग आप सैलिवेट हो रहे हो। हां, अरे ये स्वीटनेस है उसमें। हां, है ना। तो इसमें जो एज ए सेड कि ये मैकलन 12 के साथ इसका फ्लेवर प्रोफाइल बहुत मैच करता है, और उसके मुकाबले आई वुड से इट्स अबाउट $30 or $40 चीपर, है ना। तो और रेडिली अवेलेबल भी है कंपैरेटिवली। सो इफ मैकलन इज आउट ऑफ रेंज, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड रिप्लेसमेंट। इट इज फिनोमिनल इन इट्स ओन राइट। कंपेयर करना हर चीज को ठीक नहीं होता, सही बात। अगर एज ए सेड कि मैकलन हर जगह नहीं मिल रही है, वो थोड़ी आउट ऑफ बजट है, दिस इज अ लिटिल चीपर एंड अ लिटिल बिट मोर रेडली अवेलेबल। सो यू नो इट्स अ गुड अल्टरनेट, इट्स अ गुड अल्टरनेट, इट्स अ गुड बाय। और आपकी ये आपके बार में भी ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी, बहुत सुंदर बॉटल है। हाँ, कलर बहुत इसका बहुत बढ़िया है, बॉटल के अंदर से भी कलर बहुत बढ़िया है। हाँ, अब देखें हमारे अंदर जाके कितनी और सुंदर हो जाती है। बिल्कुल भाई, चलो मेरे भाई टेस्टिंग की जाए। वेरी फ्रूटी, वेरी फ्रूटी, वेरी फ्लोरल। So it is 46%. तो उसका जो शार्पनेस और थोड़ा बर्न है ना, है, वो है। सिप लेने के बाद जैसे थोड़ा सा सांस छोड़ा ना, थोड़ी आग लगती है जिगर में। हाँ, तो ये थोड़ी गर्माइश देती है, देती है। और नाक के बाल भी थोड़े से छेड़ दिए, छेड़े है ना, एक्सहेल करते हुए लगता है कि हाँ भाई कुछ स्ट्रॉन्ग गया है, कुछ गया अंदर। पर 46% पे होने के बावजूद भी इसने अपना जो एलिगेंस है, बिल्कुल, जो हार्मनी है फ्लेवर्स की, हाँ, वो अभी भी बरकरार रखी है। हाँ, वो तो है ना। और इसमें फ्रूटीनेस तो इसमें आया ही आया, बिल्कुल, टिप ऑफ द टंग जैसे बताया। हाँ, बोल दिया। हाँ, टेस्ट लेते सर जैसे भाई ने कहा, आई एग्री, फ्रूटी फ्लोरल आया, और उसके बाद ना बिल्कुल मुझे एकदम से आया सिनेमन एंड क्लोव, बिल्कुल बहुत तुरंत आया एकदम से, और उसके बाद आया हल्का सा सिट्रस, सिट्रस, और वो फिनिश गुम। और एक चीज और है ये, हाँ भाई, ये आपके टंग पे ना, हाँ, आपके पैर पे बहुत स्मूथ है ये, इट डजंट होल्ड नहीं करती आपके आपके हाँ, टंग को। हाँ, ये स्मूथ ऑयली नहीं है, ऑयली नहीं है, इट्स वेरी लेस ऑयली, और फिनिश जैसा हमने कहा कि स्मॉल से मीडियम फिनिश है, हाँ जी, बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाती है। और गाइज अगर आपने इसका बॉक्स नोटिस किया हो तो इस पे जैसे लिखा हुआ है ये सॉटर्न कास्क फिनिश है। तो जैसा हम शुरू शुरू में बात किया था कि ये लुई विटॉन के चलते हैं या फिर ग्लेनमोरेंजी, इतना एक्सपेरिमेंट करने की शकीन है। इट इज सच अ स्मॉल रीजन जहां पर स्वीट वाइन बनती है, जैसे अपने कनाडा में आइस वाइन या डिजर्ट वाइन बहुत बनती है नायग्रा में, तो ये फ्रांस का वो रीजन है जहां पे ये आइस वाइन या स्वीट वाइन डिजर्ट वाइन बनाई जाती हैं। तो इन्होंने उनके बैरल्स ढूंढे और फिनिश की, फिनिश की। सो हेंस जो हम फ्रूटी और स्वीट फ्लेवर्स को स्टार्ट कर, हाँ, तो ये उस ये मिठास वेनिला तो है, लग रही है वेनिला जैसी, पर ये ग्रेप्स की जो स्वीटनेस होती है ना, फर्मेंटेड ग्रेप्स जो, वो फ्लेवर्स पकड़े हैं इसने, बेसिकली अपना किशमिश। ओके, अच्छा, किशमिश हो गया ना, वो ड्राइड रेजिन हो गया, हाँ, तो ये वो चीज दे रही है। तो मेरे भाई, हाँ जी भाई, इसका पानी में डालने से पहले इसका थोड़ा बॉक्स पढ़ के बता, अपने व्यूअर्स को बॉक्स में पढ़ के बताते हैं और क्या लिखा है। आवर सिग्नेचर स्पिरिट डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड्स टॉलेस्ट स्टिल्स इज एज्ड फर्स्ट इन बर्बन कास्क्स फॉर स्मूथ फ्रूटी नोट्स। We then finish this single malt whiskey in rare Sauternes wine casks to create sumptuous layers of mellow sweetness. बहुत ही मजेदार है। तो भाई आपने जो जो बोला, हाँ, वो इस पे लिखा है। बिल्कुल। मतलब आप हो गए मास्टर। मतलब नौकरी पक्की है, अभी है, अपायर भी हुआ। हाँ जी। तो चलो इसी खुशी में इस जिन को कर देते हैं बोतल में कैद। और मेरे भाई इतनी फिनोमिनल विस्की है, यही सजेस्ट करूंगा कि इसको या तो ऑन द रॉक्स पीजिए या इसमें हल्का सा पानी डालिए। बिल्कुल। हाँ, तो भाई थोड़े पानी डाल देते हैं। डन एंड डन। तो चलिए, पानी के बाद इसका कलर थोड़ा लाइट एम्बर हो गया है, बिल्कुल माइल्ड गोल्ड हो गया, अब तो बिल्कुल सोने वाली हो गई, सोने रंगी हो गई। ये 22-24 कैरेट वाले हो गए। हाँ, और पूरा मजेदार इसका कलर है। ग्लास आपके फैंसी है, उसमें पूरा इसका माहौल समाप्त बांध दिया है, बांध दिया है इसने। तो चलो मेरे भाई, देखे पानी में क्या जादू करती है। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें जो स्वीटनेस है ना,
यूजली पानी के बाद स्वीट फॉरवर्ड हो जाती है हाँ. वो ये हुई है. तो ये जो इसके जो मिठास है, जो रेजिन्स की, जो ग्रेप्स की, ये फर्मेंटेड ग्रेप्स की जो हम बात कर रहे थे, उसकी जो मिठास है वो अभी तक रह रही है. रह रही है, बिल्कुल रह रही है. This is astonishing and surprising. मैं ये हाँ. कहना चाहूंगा कि अब ये आपके पास दो ऑप्शन है. हाँ. या तो आप इसे नीट सिप कर लो. हाँ. या आप इसे पानी में पी लो. दोनों के टेस्ट हल्के अलग है. हाँ. दोनों मजा देती है ये. ऑनेस्टली मैं एज ए सेड भाई मेरा गवाह है. हाँ, मैं विस्की नीट पीने का शौकीन हूँ. बिल्कुल. इस वाली विस्की में दो आइस क्यूब्स या हल्का सा पानी. ये इसकी जो फिनिश है, इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो तो थोड़ी डायल डाउन हुई है. बिल्कुल. और फ्लेवर प्रोफाइल और एनहांस बहुत बढ़ गया. मैं बोलूंगा और बढ़ गया और बहुत ही इजी हो गया डिनोट करना फ्लेवर्स को. पहले तो थोड़ा टालमटोल टोल और बढ़ रहा था. एक लिंगरिंग स्वीटनेस अभी तक. हां, वो आई एम एंजॉयिंग इट. Yeah, it's super nice. है ना? और ये जो जैसे बोला गया कि ये फ्रांस के रेयर एरिया में उनके बैरल्स हैं, तो इन्होंने जो मेहनत की है ना वो रंग ला रही है. ला रही है भाई. है ना? तो रंग अलग आ रही थी. हाँ. दो तरह के रंग ला रही है. हाँ. रंग और टेस्ट. बहुत ही मजेदार काम हो गया इसका. तो माहौल बन दिया, मजा आ गया. हाँ जी मेरे भाई. आप दोगे कि मैं जाऊं पहले? चलिए मैं देता हूँ पहले. प्लीज चलिए, जल्दी मैं इससे पार मार लेता हूं. बिल्कुल भाई, मैं इसे दूंगा 81. जो इनके बैरल एरिया से आए हैं बहुत ही फिनोमिनल है. मेरा स्कोर आपसे थोड़ा सा ज्यादा होगा. अच्छा जी. हाँ, आई विल गिव दिस विस्की एन 84. 84? That's a good score. It is a beautiful whiskey, जो इसकी स्टोरी है, जो इनकी हिस्ट्री है, जो लेगेसी है. और देखा जाए तो दे आर गोइंग थ्रू अ रीब्रांड. इन्होंने काफी बॉक्सेस के अपने शेप डिजाइन चेंज किए हैं. बॉटल की शेप वही है पर कलर चेंज कर दिया. एक यही बॉटल है जो इनकी लेगेसी को और इनकी फ्यूचर की जो ब्रांडिंग है उसको जोड़ के रख दिया है. बिल्कुल. अब ये नहीं पता ये when will it come on the chopping block, ये कब चेंज हो जाए, हो सकती है. बट फॉर नाउ अभी भी यही है. तो आने वाले टाइम में जहां तक मुझे लगता है कि जो 16 इयर्स वाली है वो इनकी नेक्टर के नाम से आने वाली है. okay. जो इनकी वेबसाइट पे चेंज हो गई है. अच्छा जी. तो पर ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी, नए रीब्रांड पैकेज में आने वाली है. तो अगर आप ग्लेनमर्जी के शौकीन हैं, तो जाइए इनकी लेगेसी का ये पीस संजो के अपने पास जरूर रखिए. द नेक्टर डियोर. नेक्टर डियोर. ऑलराइट गाइस, दैट्स बीन आवर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. बाय.